दोस्तों, आज हम गम्फ्रेना प्लांट के सीड्स ग्रो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोट के अंदर सॉइल भर ली है। सॉइल भरने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गम्फ्रेना प्लांट के सीड्स, और इस सीड्स को हम कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे सॉइल के ऊपर। अगर ये पौधा आप एक बार लगाते हैं तो इनके जो सीड है वो आपको हर टाइम मिल जाते हैं इसी प्लांट से, जिसको आप सेव करके रख लेंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में जब बड़े रहेंगे। तो इस तरीके से हमने पानी दे दिया। पानी देने के बाद अब इसे रख देना है सेमी शेड जगह पर, और 7 से 8 दिन के अंदर इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 10 दिन का रिज़ल्ट है। हमें लगाए हुए 10 दिन हो चुके हैं। हमने सेमी शेड में इन प्लांट्स को रखा हुआ था, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सीड्स ग्रो होने तक आपको इनकी केयरिंग करनी पड़ती है। जैसे ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें आधे सीड्स मर जाते हैं पानी की वजह से, ज़्यादा पानी देते हैं तो मर जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, पानी को हमेशा लिमिट से ही देना पड़ता है। अगर लिमिटेड पानी देते हैं तो ये बचे रहते हैं। अब आप इनको 12 बजे तक की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्लांट हमारे है ये 25 दिन का रिज़ल्ट है। अब देख सकते हैं कितने बेहतरीन ग्रो हो चुके हैं। अब इन प्लांट को ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ चुका है, तो अब इन प्लांट्स को हम ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे ये भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप ही ट्रांसप्लांट करके इन प्लांट्स को एक गमले से निकाल करके अलग अलग बड़े गमलों में लगाना चाहें लगा सकते हैं, या किसी पॉलीबैग में लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पॉलीबैग लिया हुआ है, जिसमें हमने इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है। तो पॉलीबैग में जो हम सॉइल भरने जा रहे हैं, जिसमें 80% सैंड है और 20% वर्मी कंपोस्ट है। तो इस तरीके से सॉफ्ट सॉइल हमने ली हुई है, जिससे इजीली ये ग्रो हो जाएंगे। और जैसे ही ये बड़े होते रहेंगे धीरे धीरे, तो हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे किसी बड़े गमले के अंदर, या किसी ग्राउंड व्राउंड में हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे ये और अच्छे से ग्रो हो जाएगी। इस एक से हमने इन प्लांट्स को निकाल लिया है। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, बहुत इजीली ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, कोई इनमें केयरिंग ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। इस एक से हम होल करके उंगली की हेल्प से और इसमें प्लांट को रख देंगे, और साइडों में से सॉइल को कवर कर देंगे, जिससे प्लांट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं पानी देने टाइम। और अब आपको क्या करना है, बाकी प्लांट्स को भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो बाकी प्लांट को भी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, अब अगर इन प्लांट्स को इसी अगर पॉलीबैग में हम रहने देंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले जो लगे हुए थे वो एक ही पैकेट में लगे हुए थे, जिसमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती। अब ये फ्लावरिंग भी अच्छी करेंगे। तो चलिए, इनको हम पानी दे देते हैं। पानी देने के बाद इनको हम रख देंगे 10 दिन तक सेमी शेड में, फिर हम इनको निकाल के रख देंगे फुल धूप में। जैसे ही ये फूलों पर आएंगे, हम इनको कुछ खाद वगैरह देंगे और अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस एक से वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।